पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में बूथों पर कई खामियां पाई गई, जिसके चलते चुनाव आयोग ने जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिए हैं वे पहले से ही बूथों पर जाकर खामियों को दूर करें। डीएम अमृत त्रिपाठी और एसपी एस चिनप्पा आज शाजापुर शहर के बूथों पर भ्रमण कर निकले, जहां के बूथों में तमाम खामियां निकलकर सामने आई हैं। उसके दृष्टिगत रखते हुए मैं और एसपी साहब दोनों संवेदनशील बूथों का भ्रमण कर रहे हैं, और साथ साथ क्योंकि इस बार दिव्यांगों के लिए एक विशेष आयोग के निर्देश हैं और हम लोग भी सब कुछ सेंसिटाइज कराना चाहते हैं, उनके लिए भी जो व्यवस्था है उनका भी जायज़ा ले रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से भी हम ये चाहते हैं कि सभी लोगों को वोटिंग करने के लिए मीडिया भी प्रेरित करें और हम लोग अपना वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाएँ। देखिए, कई बूथों में ये देखने में आ रहा है कि अभी रैंप्स जो हैं जो दिव्यांगों के लिए बनाए गए हैं वो सिर्फ बूथ के कमरे से जुड़े हुए बनाए गए हैं, जबकि जिस रूट से दिव्यांग जाते हैं उस बूथ पे उनकी एक्सेसिबिलिटी होती है, उसके मेन गेट्स पे भी रैंप होने की ज़रूरत थी। और कई जगह पर बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त उतनी नहीं मिल पाई है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हम लोग अपने कर्मचारियों के लिए पंखे की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पर भी निरीक्षण चल रहा है।